हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना आर्ट्स गार्डन में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, कौन नहीं चाहेगा कि उसके गार्डन में इस तरह से फ्लावर आते रहें आते रहें, उनकी बगिया फूलों से भरी रहे। लेकिन क्या बिना किसी खाने के पीने के ये फ्लावर आप देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से हमारे शरीर को विटामिन मिनरल्स की ज़रूरत होती है, उसी तरह से इन पौधों को भी विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स। तो मैं वही इन्हें देती रहती हूँ। देखिए कितने सारे बर्ड आए हुए हैं। तो चलिए किचन की तरफ चलते हैं और इनके लिए खाना तैयार करते हैं। तो ये है मेरे कुछ केले के छिलके, जो शायद सभी के घरों में मैं कचरे के डिब्बे में जाते हूँ। हाँ, तो चलिए इसे यूज करते हैं। मैंने सिंपली उसे टुकड़ों में काट लिया है और उसमें पानी ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स। लेकिन पानी ऐड करते समय ध्यान रखें कि 20% बोतल में जगह खाली रखें और बोतल प्लास्टिक की ही हो, कांच की नहीं हो, तो क्योंकि इसमें बहुत गैस बनता है। अब इसमें रख के इसे सेक कर लेना और 10 दिनों के लिए भूल जाना है। कहीं सेमी शेडेड एरिया में इस तरीके से रख दीजिए। ये मैंने कल और परसों बनाया था, छिलके इकट्ठे हो गए थे, तो मैं यही करती रहती हूँ। मैं जब मेरे पास छिलके आ जाते हैं तो मैं किसी बोतल में भर के रख देती हूँ। तो चलिए, ये मेरे काम के नहीं हैं, ये मेरे काम के हैं। ये पूरी तरीके से फर्मेंट हो चुके हैं और 10 दिनों में मैं ये जो है केले के छिलके अपने विटामिन्स और मिनरल्स रिलीज 10 दिन में कर देते हैं। तो चलिए ध्यान से खोलिए दोस्तों इसे। इसमें गैस बहुत होता है और इसका अप्लाई हम लोग अपने सभी फूलों वाले पौधों में करेंगे। 1:2 के रेशियो में मैं करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे सभी प्लांटर्स छोटे छोटे हैं। तो आपके अगर बड़े हों प्लांटर तो आप 50-50 यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। मतलब एक कप बनाना पील के लिक्विड लीजिए और एक कप प्लेन वाटर। मैं यहाँ 1:2 के रेशियो में यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए मैं इसे अप्लाई करके भी दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ दिखा तो रही हूँ सिर्फ एक, लेकिन बताऊँगी शायद 2 या 3 मे बी। कहीं हो सकता है वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखना है मुझे। तो चलिए इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये मेरे कुछ मॉसरोज़ के प्लांट्स हैं, इसमें भी अभी फूल आए हुए हैं। मैं सभी अपने फूलों वाले पौधों में यहाँ ऐड करूँगी। तो फ्रेंड्स, कोई भी फर्टिलाइज़र आप बनाइए घर के कचड़े से, अगर आपको इतने सुंदर नज़ारे मिल सकते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी वो हमारे कचरे के डब्बे में ही जाएंगे, तो हमें ही अपने मदर नेचर का भी ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। जैसे हम अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, वैसे ही हमें इन्वायरमेंट को भी साफ़ रखना चाहिए फ्रेंड्स। तो देखिए, मैं यहाँ वीडियो शूट करने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसमें पानी रख रही हूँ। 1:2 के रेशियो में मैंने ले लिया। मैं यहाँ आपको एक सरप्राइज़ दिखाने वाली हूँ। इस जून के महीने में मैं मेरे देखिए ये पारिजात के फूल, पिछले वीडियो में शायद आपने देखा होगा ओनियन पील वाला, तो उसमें देखा होगा मैंने, उसमें भी पिछले बार में वही ऐड किया था। इस बार मैं ये छोटे से सा प्लांट है फ्रेंड्स ना, देखिए इसमें फूल कितने सारे आए हुए हैं। तो मैं यही लिक्विड फर्टिलाइज़र चेंज कर करके देती रहती हूँ। देखिए फूल है कुछ यहाँ भी, तो यही लिक्विड फर्टिलाइज़र का कमाल है। ये हरसिंगार के फूल में अभी तक फूल आ रहे हैं। ये इतने छोटे से प्लांटर में भी मैंने लगा रखा है, ये देखिए। तो इसमें भी मैं यही ऐड कर रही हूँ। तो यही है लिक्विड फर्टिलाइज़र, घर में ही बनाती रहती हूँ तरह तरह के और अप्लाई करती हूँ, और वही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। ये मेरे ठंड के दिन में लगभग जनवरी फरवरी से लगातार फ्लावरिंग कर रहा है प्लांट, और बस इसमें मैं यही लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करती हूँ और थोड़े ड्राई हो चुके फूलों को और उसकी पत्तियों को हटाती रहती हूँ और देती रहती हूँ। तो मैं एक और फर्टिलाइज़र की बात कर लूँ, तो वो है आप ओनियन पील वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र, नहीं देखा होगा वो वीडियो, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स। और तो ओनियन के छिलके, बनाना के छिलके और ऑरेंज के छिलके, तीनों छिलकों को बराबर बराबर मात्रा में रखकर ऐसे ही एक बोतल में रखिए और 20% जगह खाली रखिए और 10 दिनों के लिए छोड़ दीजिए सेमी शेड एरिया में कहीं पे भी।
और 10 दिनों के बाद से उसे अपने पौधों में अप्लाई कीजिए। ये पूर्ण रूप से नेचुरल एनपीके होता है फ्रेंड। मैं उसका वीडियो भी आपको दिखाती, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने आज एक का अप्लाई किया और बाकी आपको बता दे रही हूँ। और एक और देखिए, इसमें कुछ जंगली घास आ गया है, इसे भी मैं निकाल दे रही हूँ। तो और भी फर्टिलाइज़र मैं बनाती ये मेरे कुछ नींबू के पौधे हैं फ्रेंड्स, देखिए इसमें भी मैं ऐसे ही अप्लाई करती हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, इसमें फल आया, फूल लग चुका है, फल अब बन रहा है इसमें, तो मैं इसमें भी डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये पौधे मेरे बड़े हैं, गमले बड़े हैं, मिट्टी ज़्यादा है। और ये मेरे कुछ लोटस के प्लांट हैं, देखिए कितने बड़े बड़े एरियल लीफ आए हैं। इसमें मैं कोई एनपीके वगैरह नहीं देती, बस यही बनाना पील का वाटर ऐड करती हूँ डायरेक्ट, देखिए, क्योंकि इसमें तो पानी ऑलमोस्ट पहले से ही रहता है, इसलिए मैं डायरेक्ट अप्लाई करती हूँ। अब ये छिलके, अब ये सोचेंगे कि पानी तो ख़त्म हो गया, अब ये नहीं यूज होगा, लेकिन नहीं, मैं इसमें फिर से पानी भर दूंगी और इसे फिर 5-10 दिन के लिए छोड़ दूंगी और फिर इसका एक बार यूज़ करूंगी फ्रेंड्स। इसे मैं एक या दो बार और यूज़ करूंगी, उसके बाद इसे फेंकूंगी नहीं, फिर उसका उसे कंपोस्ट में डाल दूंगी। कंपोस्ट में ये पूर्ण रूप से डिकम्ब, देखिए मेरे कितने सारे मैंने यहाँ लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के रखे हुए, देखिए। हाँ तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस बनाना के छिलके को तेज़ धूप में 3-4 दिन सुखा के उसे ग्राइंड करके और मोटा दरदरा पीस लीजिए, और उसे भी आप 1-1 चम्मच 10-15 दिन के अंतराल में देते रहिए अपने फूलों वाले फलों वाले प्लांट्स में। ये भी वही इफ़ेक्ट देते हैं जो हमारे लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।